हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? मैं अब्दुल रज़ाक आज आपको बताऊंगा कि अगर आप एक ओला ड्राइवर हो तो आप अपने ओला ड्राइवर ऐप में आउट स्टेशन का ऑप्शन कैसे चालू कर सकते हो। बहुत सिंपल है। आगे मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा ओला पार्टनर ऐप की, जहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप खुद अपने ओला ड्राइवर ऐप में रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो आउट स्टेशन का ऑप्शन चालू करवाने के लिए। लेकिन वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे कि ये जो प्रोसेस है वो करना कैसे है। तो चलिए अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ चलते हैं। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप महाराष्ट्र से मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप अगर किसी भी तरह की गाड़ी रखते हो और आप उसका इंश्योरेंस बनवाना चाहते हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो 8850541043। इस नंबर पर मैं आपको आपकी गाड़ी के लिए एक अच्छा इंश्योरेंस बेस्ट प्राइस में करवाने में हेल्प करूंगा। चलिए अब चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ और देखते हैं कि कैसे आप आउट स्टेशन का ऑप्शन ओला ड्राइवर ऐप में चालू कर सकते हैं। ओला ड्राइवर ऐप में अगर आपको अपना आउट स्टेशन कैटेगरी चालू करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना ओला पार्टनर यानी कि ओला ड्राइवर ऐप जो है वो चालू कर लेना है। ओला ड्राइवर ऐप चालू करने के बाद में, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं कि इस आईडी में आउट स्टेशन जो है वो परमानेंट बंद है और लोकल रेंटल जो है वो चालू है। तो अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर नीचे जो डैशबोर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर आखिरी ऑप्शन है मेन्यू का, उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे जब आएंगे तो ये आपको पार्टनर केयर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। पार्टनर केयर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे अकाउंट्स का ऑप्शन दिखता है, अकाउंट्स के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आखिरी ऑप्शन है चेंजिंग अकाउंट सेटिंग, चेंजिंग अकाउंट सेटिंग पर क्लिक कर लेंगे। और इसके बाद जो सबसे पहला ऑप्शन है आई वॉन्ट टू ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट माई कैटेगरी, यानी कि मुझे कोई कैटेगरी चालू या बंद करवानी है, वहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि पहला जो ऑप्शन है वो ऑप्ट आउट ऑफ रेंटल, यानी कि जो मेरा रेंटल चालू है अगर मुझे उसे बंद करवाना है तो मुझे यहाँ क्लिक करना है। और सेकंड ऑप्शन दिख रहा है कि टू ऑप्ट इन फॉर आउट स्टेशन कैटेगरी, यानी कि मेरा जो आउट स्टेशन बंद है वो मुझे चालू करवाना है, तो मैं यहाँ क्लिक कर लूँगा। और इसके बाद यहाँ जो सबमिट का ऑप्शन है, मैं सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद में मेरे सामने एक नया पेज खुल गया, यहाँ पर लिखा हुआ है कि टिकट जो है वो रेज हो गया है और 72 घंटे में इस प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं चालू होता है तो उसके लिए ऑप्शन है यहाँ पर, ये जो कॉल अस का ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करना है। कॉल अस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में सबसे ऊपर का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक हियर, ब्लू कलर में लिखा होगा, उस पर जब क्लिक करते हैं तो क्लिक पार्टनर केयर से और ओला पार्टनर केयर में बात करके आप अपना आउट स्टेशन जो है वो बंद या चालू करवा सकते हैं, कैटेगरीज को अपने हिसाब से मॉडिफाई करवा सकते हैं। इसको होने में कुछ दिन लगता है, ये तुरंत चालू या बंद नहीं होता है। बहुत सारी वीडियोस में ऐसा बताया गया है कि तुरंत चालू हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुरंत चालू या बंद हो जाता है, कुछ दिनों का टाइम लगता है। हो सकता है किसी कंडीशन में आप अगर ओला के हिसाब से फिट नहीं बैठते हैं तो वो आपका कैटेगरी जो स्विच करने का ऑप्शन है वो चालू बंद ना भी करे। वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देखा, वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके ही जाना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना ताकि हर एक ड्राइवर को पता चले कि वो अपने मोबाइल में कैसे आउट स्टेशन जो है ओला ऐप में चालू कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना ताकि मेरा हर एक वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में।